नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। आज हम बात करेंगे महिंद्रा अल्फा डीएक्स BA6 2021 मॉडल के बारे में, जिसका इंतजार आप लोगों को बहुत दिनों से था। यदि आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आप लोग को इस गाड़ी का डिटेल प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और कुछ हाईलाइट पॉइंट के बारे में बताऊँगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो पिछले दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। महिंद्रा की अभी सभी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स उत्कल ऑटोमोबाइल्स में अवेलेबल है। आप स्क्रीन पर भी एड्रेस को दे सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए अल्फा डीएक्स लिबरल वकरा। महिंद्रा अल्फा अभी दो मॉडल्स में अवेलेबल है। एक है महिंद्रा अल्फा डीएक्स और दूसरा है महिंद्रा अल्फा कॉम्फी। महिंद्रा अल्फा कॉम्फी सिर्फ हमें साउथ इंडिया में ही देखने को मिलता है। महिंद्रा अल्फा डीएक्स और महिंद्रा अल्फा कॉम्फी हमें दो कलर में देखने को मिलता है, ब्लैक एंड येलो कलर में। अभी इसका एक्सोरूम प्राइस शुरू होता है 2,90,000 रुपीज से, और इसका अप्रोक्सीमेट ऑन रोड प्राइस है 3,20,000 रुपीज। यदि आप इसे फाइनेंस में खरीदना चाहते हैं तो लगभग आपको 60,000 से 70,000 रुपये तक देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका फ्रंट डिजाइन। तो फ्रंट में आपको दिया गया है ऊपर BA6 का स्टिकरिंग ग्राफिक्स, जो कि आपको सभी महिंद्रा अल्फा डीएक्स में सेम देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिलता है महिंद्रा का क्रोम फिनिश में लोगो। लाइट्स में आपको मिलता है नॉर्मल हेलोज मल्टी हेड लैम्प, उसके साइड में मल्टी फंक्शनल टू इंडिकेटर। और फ्रंट में आपको ग्रे कलर में मिलता है इसका मड फ्लैप। यह दोस्तों इसका टायर्स, आपको इसमें मिलता है 10 इंच का टायर 8 प्लायर रेटिंग के साथ। यहाँ पर दोस्तों टायर साइज भी मेंशन किया गया है। ब्रेकिंग में सामने आपको मिलता है डिस्क ब्रेक, जबकि पीछे मिलता है ड्रम ब्रेक्स। सस्पेंशन में सामने आपको मिलता है हेलिकल कॉल स्प्रिंग सस्पेंशन, जबकि पीछे आपको मिलता है रबर स्प्रिंग सस्पेंशन। महिंद्रा अल्फा डीएक्स का और एक हाईलाइट पॉइंट है इसका स्टार्टर मोटर। आपको इसमें मिलता है 1.4 किलोवाट का स्टार्टर मोटर। सर्दियों के टाइम जब गाड़ी को स्टार्ट करने में आपको प्रॉब्लम होता है, महिंद्रा अल्फा डीएक्स में आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो स्टार्टर मोटर है वो बहुत ही आसानी से गाड़ी को इंजन को स्टार्ट कर देता है। साइड प्रोफाइल में दोस्तों आपको मिलता है अल्फा डीएक्स का स्टाइलिंग स्टिकरिंग ग्राफिक्स। और दोस्तों चले देखते हैं इसके रियर। तो रियर में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है महिंद्रा का बैजिंग, उसके साथ लाइट्स में आपको इसमें मिलता है नॉर्मल स्टैंडर्ड टेल लाइट्स, और उसके नीचे आपको स्पेस दिया गया है नंबर प्लेट लगाने के लिए। चले जानते हैं इसका इंजन के बारे में। इसमें लगा गया है ग्रेव्स का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड BA6 डीजल इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 598 cc, जो कि मैक्सिमम 9.4 HP का पावर प्रोड्यूस करता है 3600 RPM तक। और इसमें आपको मिलता है 23.5 Nm का टॉर्क, जो कि 2200 RPM तक प्रोड्यूस करता है। कंपनी अभी इसका माइलेज क्लेम करता है 28.9 km/L, मगर इसका एवरेज माइलेज आपको लगभग 26 से 27 km/L तक आराम से मिल जाएगा। वारंटी की बात करें, आपको इसमें मिलता है 3 ईयर्स का वारंटी 1,00,000 किलोमीटर तक। साइड प्रोफाइल में दोस्तों देख सकते हैं, गाड़ी साइड में दिखने में नो डाउट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको अल्फा डीएक्स का स्टिकरिंग ग्राफिक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इसका फ्यूल टैंक, जिसका कैपेसिटी है 10.5 लीटर्स, और इसका जो व्हील बेस है वो है 2005 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm। महिंद्रा अल्फा डीएक्स BA6 इस मॉडल में जो चेंज आया है, दोनों साइड में आपको देखने को मिलता है सेफ्टी डोर्स, मगर ये लोहे का सेफ्टी डोर्स नहीं है। राइट साइड का सेफ्टी डोर लॉक होने के कारण आप इसे नहीं खोल सकते, मगर जो लेफ्ट साइड का सेफ्टी डोर है ये आपको हुक वाला मिलता है। इसका हुक को ऐसे खींचने के बाद इसका लेफ्ट साइड सेफ्टी डोर ओपन हो जाता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं गाड़ी में चढ़ने के लिए नीचे आपको दिया गया है एक फुट स्टेप, और उसके साथ दोस्तों आप इसका लेग रूम को देख सकते हैं। इसका लेग रूम भी आपको बहुत ही स्पेशियस मिलता है। और महिंद्रा अल्फा डीएक्स का और एक हाईलाइट पॉइंट है इसका सीट, जो कि आपको डुअल टोन कलर में दिखने मिलता है। डुअल टोन कलर में इसका सीट होने के कारण ये आपको दिखने में भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको स्पेस मिलता है कुछ सामान लेने के लिए। इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो है 835 kg, कॉर्ब वेट है 515 kg, लोडिंग कैपेसिटी है 320 kg। और इसका जो हेडरूम है ये भी आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है। और दोस्तों, मैं यदि आपको इसका लेग रूम दिखाऊं तो फिर आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत ही अच्छा लेग रूम मिलता है, और इसमें कम्फर्टेबली आप 3 लोग पीछे बिठा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट का जो न्यू रूल है उसके हिसाब से आप पीछे 3 लोग से ज़्यादा नहीं बिठा सकते। चलिए देखते हैं ड्राइवर साइड। सबसे पहले राइट साइड में यहाँ पर आपको दिया गया है बड़ा सा बोतल होल्डर। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका बैटरी।
जिसके आउटपुट है 12 वोल्ट डीसी 50 एम्पीयर तक। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका लेग स्पेस आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से स्पेस मिलता है म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए, जो कि पहले आपको ऊपर मिलता था मगर अभी इसे कंपनी ने राइट साइड में दे दिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले दोस्तों आपको देखने को मिलता है यहाँ पर गाड़ी का कुछ इक्विपमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और सीट के नीचे आपको दिया गया है इसका स्पेयर टायर। चलिए देखते हैं इसका ड्राइवर सीट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ड्राइवर सीट भी आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है। लॉन्ग जर्नी के लिए इसमें आपको बैकरेस्ट भी मिलता है, जो कि लॉन्ग जर्नी में ड्राइवर को मदद करता है लॉन्ग ड्राइव करने के लिए। और दोस्तों आप इसका ड्राइवर साइड हेडरूम को देख सकते हैं, यदि आपका हाइट 6 फीट है तब भी आप इसे कंफर्टेबली चला सकते हैं। लेग रूम भी दोस्तों आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है और आप खुद भी देख सकते हैं इसमें आपको डिसेंट लेग स्पेस मिलता है। और गाड़ी में बैठने के बाद इसका फ्रंट व्यू आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका की होल और इसके राइट साइड में भी आपको एक छोटा सा स्पेस देखने को मिलता है। इसमें आप मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, तो सब देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर। और गाड़ी में बैठने के बाद इसका डैशबोर्ड आपको ऐसे ही देखने को मिलता है और इसका जो ट्रांसमिशन है वो है 5 स्पीड, आपको इसमें मिलता है 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर। स्विच एंड कंट्रोल्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको स्विच एंड कंट्रोल्स नहीं दिया गया है, राइट साइड में आपको देखने को मिलता है इसका सभी कंट्रोल्स। रेड कलर में वो है इसका पुश एंड स्टार्ट बटन, येलो कलर में वो है इसका हॉर्न, उसके ऊपर है इसका टर्निंग इंडिकेटर्स और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑरेंज कलर में देखने को मिलता है इसका लाइट एंड कंट्रोल्स। और जरूरी सामान रखने के लिए इसमें आपको मिलता है कंपनी की तरफ से लॉकेबल ग्लोव बॉक्स, इसमें आप अपने जरूरी सामान को रख सकते हैं। दोनों साइड में भी आपको स्पीकर्स देखने को मिलता है लेफ्ट एंड राइट साइड में। और सेंटर में दोस्तों आपको देखने को मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि कंपनी ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक और महिंद्रा सुप्रो मैक्सी ट्रक जैसा ही आपको इसमें देखने को मिलता है। इसमें लेफ्ट साइड में आपको मिलता है फ्यूल गज, सेंटर में स्पीडोमीटर, उसके साथ महिंद्रा का लोगो और नीचे महिंद्रा का बैजिंग मिलता है। उसके साथ आप इसमें सेट भी कर सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। राइट साइड में आपको देखने को मिलता है इसका आरपीएम मीटर और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको कम्प्लीटली महिंद्रा सुप्रो जैसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है मोबाइल रखने के लिए। यहाँ पर इसका लाइट, वाइपर और स्पीकर और यहाँ पर भी आपको छोटा सा स्पेस मिलता है, चाहे तो यहाँ पर मैगजीन या फिर कुछ छोटा मोटा सामान भी रह सकते हैं। और गाड़ी में बैठने के बाद इसका डैशबोर्ड आपको ऐसे देखने को मिलेगा। और लाइट्स के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है इसका रीडिंग लाइट्स, जो कि रात में बहुत ही अच्छा बिजली देता है। गाड़ी में बैठने के बाद इसका फ्रंट व्यू आपको ऐसे देखने को मिलता है और दोस्तों आप इसका ड्राइवर साइड डैशबोर्ड को भी दे सकते हैं। महिंद्रा अल्फा डीएक्स का कंपैरिजन होता है पेजियो आपे और बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड के साथ, जिसका कंपैरिजन वीडियो आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप इसे फाइनेंस में खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको लगभग 65,000 से 70,000 रुपये तक देना पड़ेगा। गाड़ी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो।